अरे पुत्र, रोक दो रोक दो रोक दो गाड़ी, रोक दो, रोको यहाँ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? अरे सामने मॉल है देख, कब से सोच रही थी आने का, लेकिन हो ही नहीं रहा था। आज यहाँ से निकल रहे तो सोचा कि कुछ। मैं समझी नहीं, आपको मॉल में क्या काम है? आपको कुछ लेना है क्या वहाँ से? कल घर में कीर्तन रखे है ना। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं नए कपड़े पहनूंगी, रास्ते में ही मॉल मिल गया तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मम्मी जी आप ऐसे अकेले? पल्लवी पुत्र, अभी इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ। इतनी फिक्र ना कर मेरी, ड्राइवर के साथ घर जा, मैं आती हूँ सब काम निपटा के, जा टेंशन ना कर और तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मन वैसे भी थोड़ा सा अजीब हो रहा है, तो हो सकता है अंदर जाके थोड़ा ठीक लगने लगे। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो ऐसे बोलना पुत्र। चल मेरे साथ। और वैसे भी कहते हैं कि अगर औरतों को है ना शॉपिंग करवा दो, सारे दुख दर्द अपने भूल जाती है। वो तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। हाँ हाँ पुत्र, वैसे भी है ना अकेले रहने से मन घबराता है, तू मेरे साथ चल। रणबीर भी तो अकेला रहता है, वो अकेला कैसे रह रहा होगा? देख पल्लवी, अगर तू ऐसी उदास रहेगी ना तो वो भी वहां ठीक नहीं रहेगा। पुत्र अपना मन ठीक कर, सब ठीक होगा। स्माइल कर दे एक। अरे इससे तो बिना स्माइल के तू अच्छी थी, एक अच्छी वाली स्माइल कर दे, अच्छी वाली स्माइल। ये हुई ना बात। चल चलते हैं, चल आ जा। नीका, तुम ठीक हो ना? ओके। मतलब मुझे मुझे क्या होगा? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या होगा, तुम जिस हिसाब से मुझे पकड़ रही हो इतनी जोर से, क्या कर रही हो तुम? ठीक हो? I'm sorry. नहीं नहीं, it's okay. Don't say sorry. Share करो मुझसे, कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो, is there something wrong? क्या कर रही हो तुम? What are you doing? मीका क्या हो गया? तुम मीका, don't do this. मीका तुम्हारा भाई देख रहा है। मीका अक्षय देख रहा है, क्या कर? मीका क्या कर रही हो तुम? तुम ठीक हो? क्या क्या हुआ? Yeah, I'm fine. बस ऐसे ही। ऐसे? Are you sure? हाँ। मुझे वो नई कलेक्शन चेक आउट करनी है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने अपने लिए। तुम रुको आराम से। कहाँ गई? कौन? जिसके जाने से तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मीका मैं तुझे बोल रहा हूं, रणबीर को काबू में रख, कंट्रोल करके रख, समझी तू? वरना मतलब ये कि बॉयफ्रेंड है ना तेरा, तो इतना दूर दूर क्यों भाग रहे तुझसे? ऐसा क्यों लगता है कि उसने किसी को कुछ कमिट किया हुआ है और उसके अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता? ऐसा क्यों लगता है मुझे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं 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 भाई, वो रणबीर सिर्फ स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड? मीका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू स्ट्रेस्ड है? मीका
तू डर रही है? मीका क्या हुआ, तू घबरा क्यों रही? बता मुझे क्या हुआ, सब ठीक है ना? एक सेकंड, इज इट मैम? वो है यहां? नहीं, नो। यशो, मैं ये ट्राई करके आती हूँ। ठीक। नमस्ते मैम। आइए प्लीज। क्या दिखाएं आपको? साड़ियाँ मिलेगी यहाँ पे? कहाँ मिलेगी? वो उस तरफ, साड़ियों का पूरा सेक्शन उधर। लेकिन नया स्टॉक आया है ना? एकदम नया स्टॉक आया है, न्यू अराइवल, और इतने सारे शेड्स, कलर और डिजाइन्स हैं। मुझे तो अभी से पता है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैं बोलता हूँ किसी को आपको असिस्ट करने के लिए। आइए। पल्लवी, मैं कह रही थी पल्लवी, सब बातों को भूल जा, ठीक है? मन थोड़ा हल्का रख। उस बातों को याद कर रही है जो बीत चुकी है, पास हो चुका है। जो बीत गया सो बीत गया। बीत ही तो नहीं रही है मम्मी जी, पास्ट पास्ट में रहता का है, सामने आ ही जाता है। ये नहीं कि हुआ और गुजर गया, सामने आ ही जाता है और हम सबको भुगतना पड़ता है। आज भी भुगत ही रहे। पल्लवी, क्या गलत कह रही हूं मैं? क्या गलत क्या कह रही हूं मैं? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ, ये दोबारा से हो रहा है। मेरा बेटा दूसरी बार मुझे छोड़कर गया है। मां हूं उसकी, औलाद में जान बचती है माँ की, और अगर औलाद चली जाए तो जान कहाँ बचेगी? एक बार पहले जब ये हुआ था मेरी जान बच गई थी, लेकिन अब बर्दाश्त कैसे करूँगी मैं? मैं तुझे समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती आप मम्मी जी, आप चाहकर भी नहीं समझ सकती, क्योंकि आपका बेटा विक्रम कभी आपको छोड़कर गया ही नहीं है। एक बार फोन नहीं लगता ना विक्रम का, तो आपकी हालत क्या होती है जानती हूँ मैं, देखा है मैंने। और मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर ही चला गया, फोन तक आंसर नहीं करता, फिर जान पूछ कर गया है वो। पहली बार घर छोड़ा था उस प्राची के लिए, और अब भी घर छोड़ा है। इस बार उसने प्राची के लिए घर नहीं छोड़ा, प्राची के लिए घर नहीं छोड़ा, लेकिन प्राची की वजह से घर छोड़ा है उसने। I cursed that day, जिस दिन वो प्राची हमारी लाइफ में आई थी, बहुत कोसती उस दिन को, जिस दिन वो मनहूस प्राची हमारी जिंदगी में आई थी। पल्लवी तो क्यों? क्यों? आप अब भी पूछ रही हैं क्यों? सब कुछ आपके सामने है मम्मी जी, आप अब भी मुझे पूछ रही हैं क्यों? वो घर जिसमें मेरा बेटा नहीं होने की वजह से वहां मातम सा छाया रहता है, हम सब मर मर के जी रहे हैं, मैं जिंदा ही नहीं हूं। सब कुछ देख रही हैं आप, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और आप पूछ रही हैं ये सब नहीं दिख रहा आपको? ये सब उस प्राची की वजह से हुआ। अगर प्राची दिख जाए ना मुझे, कहीं मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे कोसूंगी, उसे इतना सुनाऊंगी कि वो देखना क्या हालत करती हूँ उस प्राची की। भगवान जी, पता है ऐसा नहीं होगा, फिर भी आपसे प्रार्थना है भगवान जी, गलती से भी प्राची को इस मॉल में नहीं लाना, क्योंकि पल्लवी आज बहुत गुस्से में, ज्वालामुखी फट जाना है, तो बस प्राची को इस मॉल में मत लाना भगवान जी।
क्यों आए हो? क्यों आया हूं मैं यहाँ पे? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? चेंजिंग रूम में? नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे देख सकूं। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुमसे प्यार की दो बातें कर सकूं, तुम्हें चेंज करा सकूं। दरवाजा खुला था तो मैं खुद चेंज करने आया हूँ यहाँ पे, चेंजिंग रूम में। और तुम दरवाजा खोल के क्यों चेंज कर रही थी? दरवाजा खुला रखा, मैं आ गया अंदर, दरवाजा बंद करती तो नहीं आता ना? सिंपल सिंपल की तो बात ही नहीं यहाँ पे, ये ट्रायल रूम है, मैं ट्राई करने आई थी। ओके, दरवाजा खोल के? मैं पागल हूँ? दरवाजा खोल के ट्राई कोई कैसे कर सकता है? ट्रायल करके हो गया था मेरा, मैं बाहर जा रही थी इसलिए दरवाजा खोला था, और ये डोरी अचानक से पता नहीं कैसे खुल गई है, बंद नहीं हो रही, रुक गई। तुम्हारी डोरी ठीक हो गई? अब चले? हो गई कि हो गई। अरे इतनी सी बात है, मैं बांध देता हूँ, दो मिनट का काम नहीं है ये। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कुछ तो नहीं कर रहा मैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। हेल्प मांगी थी तुम्हारी? नहीं, नो, तुमने कभी मेरी मदद मांगी नहीं, मैं खुद ही तो तुम्हारी हेल्प करता हूँ, याद है हमेशा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, और याद करना भी नहीं। तुम अभी भी खड़े हो? तुम जाओ यहाँ से, गो। एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे हैंकी पैंकी करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी मदद। मुझे नहीं चाहिए मदद, तुम गो गो जाओ, मतलब गो, तुम जाओ। भाभी आप बाहर आ रहे हो, ये भी ट्राई कर लो ना। हाँ ट्राई करती हूँ ना, ये ट्राई करती हूँ। भाभी ऑल ओके ना? क्या ऑल ओके? वो डोरी बंद नहीं हो रही थी इसलिए। अच्छा तो मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मैं कर लूंगी, ये भी तो ट्राई करना है ना, साथ में करूंगी। वैसे भाभी ये साड़ी भी आप पे बहुत प्रीटी लग रही है। तो ये पैक कर देते हैं ना, ये खरीद लेते हैं, ये ट्राई करती हूँ। क्या क्या अच्छी लग रही थी ना भाभी? अब मैं जाऊं? रणबीर, भाभी? हाँ हाँ मीका, यस। अंदर कोई है क्या? आई मीन रणबीर अंदर है क्या? रणबीर? नहीं, रणबीर कैसे हो सकता है? मैं ट्राई कर रही हूँ ना, यहाँ रणबीर कैसे आ सकता है? ऑफ कोर्स आई एम सो स्टूपिड। सीरियसली मीको, कुछ भी मतलब बस ऐसे वहाँ। हाँ हाँ चल। ब्रो मैं भी यहाँ शॉपिंग करने ही आया था, कहाँ कुछ लिया, कुछ ढंग का है ही नहीं यहाँ। ब्रो मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ बाय। भाई कुछ हुआ क्या? आप टेंशन में क्यों लग रहे हैं? नहीं वो अबे एक्चुअली मीका बहुत बहुत टेंशन में थी यार। मतलब वो टेंशन में क्यों थी? मीका तू डर रही है? भाई आप टेंशन में क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ क्या, और आप किसे ढूंढ रहे हो? भाई कुछ तो हुआ है, आप बताओ ना, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? अबे पास्ट बहुत खराब चीज होती, और स्पेशली जब वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। आपको किसी का कॉल आया क्या भाई? कॉल? मुझे कौन कॉल करेगा, हाँ पागल है क्या? तो चिल करो ना भाई, अगर आपको किसी का कॉल नहीं आया तो फिर। एक सेकेंड, मीका टेंशन में थी तो मतलब उसके पास के रिलेटेड कुछ, वो एक बंदा था ना, क्या नाम था उसका? हाँ मयंक, उसके रिलेटेड कुछ तो? प्राची भाभी के पास के रिलेटेड कुछ है, उनके पास से कुछ? हाँ प्राची का बीता हुआ कल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, वो किसके साथ थी, उसका पति कौन था, वो शादीशुदा होने के बाद उनका जो रिश्ता था वो क्यों टूटा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। और मेरा यकीन कर, मैं पहले कुछ नहीं जानना चाहता था, कुछ भी नहीं, लेकिन अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था उसके पास्ट में,
सब कुछ। और मैंने कोशिश की, मैंने ये सब जानने की कोशिश की, मैंने उससे बात की, तू यकीन नहीं करेगा मैं बहुत दूर तक चला गया, बहुत गुस्सा हुआ उस पे, और फिर उसने उसने मुझे सुना दिया यार। फिर क्या, फिर झगड़ा हुआ, बात बहुत बिगड़ गई थी। तू मुझे एक बात बता, मैं पति हूं उसका, हाँ मैं पति हूं ना उसका, मेरा मेरा हक बनता है, सब कुछ जानने का हक बनता है कि उसकी जिंदगी में कौन था, वो किसके साथ थी, सब कुछ। हाँ भाई, और मैं जानना चाहता हूँ, अब मैं सच में सब कुछ जानना चाहता हूँ उसके बारे में। आई विश मुझे पता होता प्राची के ससुराल में कौन कौन था, उसके परिवार में कौन कौन था, सब कुछ पता होता मुझे। अरे वाह पल्लवी, ये देख यहाँ तो कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, ये तो बहुत ही अच्छी है। मेरे रणबीर के उम्र का ही है, अगर सच में रणबीर होता तो मैं गले लगा लेती उसे और फिर कभी अलग नहीं होने देती, कभी दूर नहीं जाने देती। पर यहाँ कहाँ आएगा रणबीर, अगर भगवान जी से बोलूं भी ऐसे अचानक थोड़ी भेज सकते हैं रणबीर को यहाँ इस मॉल में। मम्मी जी, उसे देखिए, एकदम रणवीर जैसा लग रहा है ना, उसे देखकर मुझे मेरे रणवीर की याद आ रही है। हाँ पल्लवी, दिखता तो तेरा रणवीर जैसा ही है, अगर वो यहाँ होता ना तो तुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाता। हाँ पर है नहीं ना वो, और उसकी वजह है वो लड़की। मैं उस लड़की के घर जरूर जाऊंगी। पल्लवी ये क्या लड़की लड़की लगा रखा है, अच्छा नहीं लगता इस तरह बोलना। वो लड़की का नाम है वो लड़की ही है वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है मेरे लिए और कुछ नहीं। जिस दिन से उस लड़की के कदम मेरे घर में पड़े हैं, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। क्या हो गया है तुझे, घुमा फिरा के एक ही बात पे आ जाती है, कोई अलग ही दुनिया में है। कोई अलग दुनिया नहीं है, अलग दुनिया तो उस लड़की ने बना दी है मेरी। उस लड़की ने मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। खा गई दोनों बहने मेरे बेटे को। उसे खा ही गई, लगता है इनकी बहू ने इनको बहुत तकलीफें दी है। मिकू जोर से मत बोल, सुन लेंगे तो। सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या अब ये भी बताना पड़ेगा तुझे। सुन लिया तो सोचेंगे हम टिपिकल गर्ल्स की तरह है जिनका काम ही गॉसिप करना होता है, जो इधर की बात सुनकर एफएम रेडियो बनकर वहां सुना देते। सो प्लीज आप कहाँ जा रही है, बोल नहीं सकते, सुन तो सकते है ना। राइट कुछ नहीं हुआ ऐसा, वो दूर है लेकिन ठीक है, और वो अपनी मर्जी से गया है, कोई उसे छीन कर नहीं लेके गया है। वो हम सबसे दूर अकेले रहना चाहता था, रहने दे उसे। और कितना टाइम हमसे दूर रहेगा वो, अब एक मिनट नहीं रह सकती उसके बिना। मैं तुझे समझती हूँ, लेकिन तुझे भी तेरे बेटे को समझना पड़ेगा ना, और वो तेरे पास आएगा, जरूर आएगा। God, लगता है कोई सॉलिड फैम टाइप बहू मिल गई थी इनको, वरना इतना टॉर्चर कौन करता है, इतना क्रूअल, इतना इनह्यूमन कौन हो सकता है जिसकी वजह से बेटा अपनी माँ को छोड़ दे। बट मीकू, हो सकता है सास ही हिटलर हो, हु नोज। अब हमने लड़की की साइड की कहानी थोड़ी ना सुनी है, और तूने सुना ना दोनों बहनों ने, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मीको सैंडविच, वो जो लड़का था ना वो बेचारा दो लड़कियों के बीच फंसा था, टिपिकल हिंदी फिल्मों की तरह, लड़का एक पर उस पे मरने वाले दो लड़कियां, और वो दोनों
पहने। यस। तुम्हें दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था, तुमने आधा दरवाजा खोला ही क्यों? सीरियसली? तो क्या करती तुम्हारे साथ, अपने आप को इस कमरे में बंद कर देती? अरे नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले तुमने दरवाजा नहीं खोला होता तो मैं अंदर नहीं आता, ये सब होता ही नहीं। मतलब अब भी गलती मेरी, राइट? हाँ, तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम मुझे कहती मैं डोरी बांध देता तुम्हारी, या खुद ही बांध लेती, मैं अभी तक बाहर निकल चुका होता, पर तुम्हें तो अपनी जिद पे अटके रहना है। तुम मुझे ब्लेम करना कब बंद करोगे रणबीर? आई थिंक सारे लड़कों की ना एक ही प्रॉब्लम है, खुद की गलती तो देखनी नहीं, दूसरे पे ब्लेम डालना है। अपने आप को आईने में कभी देखा ही नहीं? देख रहा हूँ मैं। क्या? अपने आप को आईने में। एंड बाय द वे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा तुम अजीब सी सिचुएशन में थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, दैट्स इट। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम मेरी बात समझोगे, आई नो। रियली? तुमने मुझे कभी ब्लेम नहीं किया? आई थिंक बाहर कोई नहीं होगा ना, अब मैं निकल जाता हूँ। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आवाज नहीं आ रही ना बाहर से, इसलिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना। रुक जाते हैं थोड़ी देर। अब अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं तुम्हारी डोरी बांध दूं? Come on यार प्राची, तुम तो ऐसे बर्ताव करी हो जैसे तुम फिर से। Okay. Anyway, अब तुम जाओ। मैं जाऊं? जाओ, मैंने कहा जाओ। Are you sure? मैं चला जाऊं? लिख के दू? नहीं, एक बार बोल दो कि पक्का मैं जाऊं। ऑल राइट, पक्का। ओके। बाहर कोई हुआ तो अभी? मैंने कहा ना नहीं होगा, जाओ। ओके। अब क्या? मैंने कहा कोट लेना है। जा रहा हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो इस चेंजिंग रूम में? कमाल की बात है, चेंजिंग रूम में लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मैं चेंज कर रहा हूं, क्यों, क्या हुआ? मैं जानता हूं कि चेंज करते हैं, लेकिन इस रूम में प्राची गई थी अंदर, है ना? तो तुम यहां? कोई रूल थोड़ी है कि अगर एक बार कोई चला गया अंदर उसके बाद कोई दूसरा इंसान नहीं जा सकता। अक्षय, तो हद ही हो गई है। लेकिन एक साथ
अजीब बात कर रहे हो तुम, एक साथ थोड़ी करेंगे चेंज, अकेले करूंगा ना चेंज, और तुमने की कैसी बातें कर रहे हो यहाँ, वियर्ड वेरी वियर्ड, मुझे चेंज करने दोगे प्लीज या यहीं खड़े रहोगे, हद हो गई। भाई अब क्या कर रहे हो, भाभी कहीं और होगी, चलो उधर देखते हैं, आ जाओ। पक्का मुंह से बोलने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए, कोई है कि नहीं। वो सब छोड़ो, अभी क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो करेगा अक्षय करेगा। मतलब? नहीं मतलब क्या? अब जब तक वो जाता नहीं तब तक हम क्या करें? बाहर नहीं जा सकते, हमें हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये करते हैं। फाइनली तुमने मेरी कोई बात मानी तो सही, थैंक गॉड फाइनली। जद जद मैं खोला ओ दिलिया।